तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जयंत जी, जी जयंत जी, जमशेदपुर से खबर आ रही है साक्षी में लगने वाला मंगलाहाट बाजार। जी जी, जहां दो गुटों में जो दो गुट चल रही है और वहां पर बाजारें लग रही है, एक प्रशासन मना करती है वहां पर लगाने के लिए और एक गुट मान रही है, एक गुट नहीं मान रही है, क्या है मामला? जी देखिए विनोद जी, आपको बता दें जमशेदपुर के साक्षी बाजार में फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन के लोग, और आपको बता दें जब से कोरोना काल चल रहा है इसको लेकर के यहाँ के जो जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को मना किया है, साक्षी बाजार के अंदर में आप लोग दुकान ना लगाएं जब तक कोरोना नहीं खत्म होता है, भीड़ भाड़ ना करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का काम हम लोग कर रहे हैं, मास्क लोग पहने, ये जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है, समझा रही है इन लोगों को, मगर दो गुट इसमें है, एक गुट जो है मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन के जो जावेद अख्तर जी हैं वो जो है जिला प्रशासन का बात मानकर वो साक्षी के आम बगान मैदान में हर मंगलवार के दिन एक दिन मंगलवार को लगाने का निर्णय लिया है, उसी लिए आज लोगों ने दुकान लगाया है, करीब 30 से 35 दुकान लगे हैं। वही हमने आज दूसरा कवरेज जो किया है साक्षी बाजार के अंदर जाकर के, शिक्षित बेरोजगार मंगलाहाट संघ के लोग जो है वो लोग नहीं मान रहे हैं, वो लोग लगातार जिला प्रशासन की बात को अनदेखा कर रहे हैं और साक्षी बाजार में ही अपने बाजारों को लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं, बिना मास्क में भी लोग आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का नहीं बात मान रहे हैं ये लोग, काफी गलत कर रहे हैं। वही जो अपने मोहम्मद जावेद है जो उनका कहना, हम लोग अगर यहाँ पर लगा रहे हैं जो 30-35 दुकान साक्षी आम बगान मैदान में जिला प्रशासन ने कहा है, अगर सभी दुकान उठकर यहाँ आए तो अच्छी खासी यहाँ पर बिक्री होगी। जी इसमें जिला प्रशासन का क्या कहना है? देखिए जिला प्रशासन ने लगातार, इससे पहले भी हम लोगों ने कवरेज किया था, दिखाया था, अपने एडीएम साहब से भी हमने बातचीत किया था, ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर ही दुकान ना लगा, मगर ये लोग नहीं मान रहे हैं, प्रशासन की बात को अनदेखा कर रहे हैं और इसीलिए प्रशासन को बार बार कार्रवाई करना पड़ता है इन लोगों के ऊपर। जी जी धन्यवाद जय जी, खबर के लिए बरेली जमशेदपुर का मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन साक्षी बाजार में हम लोग लगाते थे, अभी प्रशासन का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग आम बगान में लगा रहे हैं और आम बगान में अभी हम लोग एक दिन लगाएंगे मंगलाहाट मंगल के दिन, और उसके बाद जो है कस्टमर भी आ रहे हैं, अभी पहला दिन है हमारा, पहला दिन होने के वजह से थोड़ा दुकान कम है, आगे हफ्ता और भी दुकान की संख्या बढ़ेगी, इस तरीके से हम लोग का जो है कि कस्टमर देखिए आना चालू हो गया। कितने दुकान लगे हैं आज? आज अभी हम लोग फिलहाल 30-35 दुकान लगाए हैं, 35 दुकान पहला दिन है, और अभी हम लोग प्रचार करेंगे, सारे दुकानदारों को इन्फॉर्मेशन करेंगे और जो भी मंगलाहाट से संबंधित है उन लोग को बोलेंगे कि गाइडलाइन को पालन करें और आम बगान में मंगलाहाट एक दिन लगाइए, और हम लोग प्रशासन का बात 97 से मानते हुए आ रहे हैं, एक दिन बोले थे तो एक ही दिन लगा रहे हैं, और हम लोग प्रशासन को कभी परेशान नहीं करिए, हमेशा हम लोग प्रशासन के साथ में है। साक्षी बाजार में और साक्षी बाजार में जो लग रहा है, और साक्षी बाजार में जो लग रहा है ये दूसरा संगठन है, वो लोग लगा रहे हैं जो प्रशासन को भी परेशान कर रहे हैं, पुलिस को भी परेशान कर रहे हैं, सारे लोग को। क्या नाम है दूसरा संगठन का? उसका शिक्षित बेरोजगार मंगलाहाट संघ, ऐसी कोई नाम है, समझे ना? तो वो लोग अभी भी जो है बाजार में लगा रहे हैं, प्रशासन से अनुरोध है कि सबका व्यवस्था एक जगह करें।